मुस्लिम इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद गंगापुर सिटी की ओर से उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि लगातार मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को टारगेट बनाकर उकसाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली जा रही है, जिस कारण मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, जिससे शहर में पूरी तरह कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति बनी हुई है। सबके दूध काफी दूध जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की है जी, बर्दे लग गए हैं जी, इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। हमने हमेशा शांति का रास्ता अपनाया है जी, और मोहम्मद साहब ने भी शांति के लिए कहा है जी, और सबसे ज्यादा संदेश देने वाले मोहम्मद साहब हैं जी, तो उसकी उनकी शान में हम गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते जी। तो हमारे पास एक ही रास्ता ये था कि ज्ञापन दें जी, लड़के रात को हमारे पास आए जी, हम इस तरीके से कर दें, इस तरीके से मैंने ये कहा कि शांति बनाए रखो, ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि आप पूरे शहर को और मुसलमानों को हिंदू भाइयों को ठेस पहुंचे जी। अगर वो कोई गड़बड़ करते हैं तो शांति भंग हो जाती जी, और प्रशासन को संभालना भारी पड़ जाता जी। प्रशासन ने आपको क्या उम्मीद जताई है? प्रशासन ने हमारे सामने कार्रवाई की है, उसके बाद एसपी साहब का बार बार फोन आता रहा और उन्होंने एहसास कर लिए, और सुनने के बाद उन्होंने उसके घर आदमी भेज दिए जी, वो लड़का शाम को आ जाएगा जी, बातचीत हुई उनके फोन से वो आ रहा है। उसके बाद अब प्रशासन जो भी कार्रवाई करे उचित समझेंगे। आप ये चाहते हैं कि हमारे शहर के अंदर अमन चैन सुकून कायम रहे, इसके आपने अपने लड़कों को रोका और किसी प्रकार की कोई संदिग्ध हरकत नहीं करने दी? हमने कहा रात में भी बच्चों को काफी रोका, अभी सुबह रोका, मैंने कहा कि शर्त पर मैं चलूंगा, अगर आप बिल्कुल नारेबाजी नहीं करोगे जी, न किसी तरीके से भड़काव नारे दोगे, नारों से ही हमेशा क्या है झगड़ा होता है, हिंदू मुस्लिम जो फसाद होता है नारों से होता है, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, भारत का, पाकिस्तान मुर्दाबाद का, उससे क्या भावना बढ़ती है। हमने समझाया, समझाने के बाद शांति पूर्वक हमारा जुलूस गया और एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया, और हम ये चाहते हैं पहले यहाँ तो दफा काफी लग चुका है जी, लग चुका है, उसके बाद हमारी तरफ से कोई भी आज तक शिकायत नहीं है, हमने हमेशा शहर में शांति बनाए रखने की कोशिश की है, तो बनाते रहेंगे, क्योंकि इस्लाम धर्म यही कहता है शांति बनाओ जी, किसी को मारो मत, किसी को कूटो मत, वैसे लिखना हम भी जानते हैं जी, डालना हम भी जानते हैं जी, गाली बकना हम भी जानते हैं, मगर जिस धर्म में कमी होती है वो दूसरे को धर्म को बुरा कहते हैं। हमारा धर्म और हम सबके धर्म को सम्मान करते हैं, किसी धर्म की बुराई नहीं करते।